वेलकम बैक टू द काफोस एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं फुल डिटेल में 2023 टाटा नेक्सॉन के सेकंड बेस वेरिएंट के बारे में जिसका नाम है प्योर। एंड प्योर में ही आपको एक और वेरिएंट देखने को मिल जाता है, यानी कि सेकंड बेस के अंदर ही एक और वेरिएंट है जिसका नाम है प्योर प्लस एस। एस से आप जान गए होंगे कि इस गाड़ी में आपको सनरूफ देखने को मिलेगा, यानी कि सेकंड बेस में भी, एंड बाकी सब फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। हम इन दोनों वेरिएंट्स के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली, आप इन दोनों वेरिएंट्स के बारे में फुल डिटेल में जान पाएंगे। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको नॉर्मल प्योर में एक्सटीरियर लुक से कौन से फीचर्स एंड कैसी लुक्स देखने को मिल जाएंगी। फ्रंट लुक की बात करें, फ्रंट में आपको प्योर में एक तो बॉडी कलर्ड बम्पर्स देखने को मिल जाएंगे, उसके साथ आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे विद DRLs एंड उसके साथ LED इंडिकेटर्स विद फॉलो मी फंक्शन इन हेडलैम्प्स। बाकी आपको फॉग लाइट, पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे फ्रंट से। साइड लुक में आपको प्योर वेरिएंट में 16 इंच के स्टील व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, पर आपको व्हील कवर्स देखने को मिल जाएंगे। बेस वेरिएंट में स्मार्ट में आपको व्हील कवर्स नहीं देखने को मिलते विद ब्लैक ORVM एंड डोर हैंडल इंडिकेटर आपको ORVM के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। रियर प्रोफाइल में आपको प्योर वेरिएंट में LED टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे विद पार्किंग सेंसर्स। बाकी आपको रियर वाइपर, रियर कैमरा जैसा फीचर नहीं देखने को मिलेगा। रूफ में आपको इस वेरिएंट में रूफ रेल्स देखने को मिल जाएंगे विद शार्क फिन एंटीना। सो ये बात कर ली हमने नॉर्मल प्योर वेरिएंट के एक्सटीरियर लुक्स की कि आपको इस वेरिएंट में कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें प्योर वेरिएंट के इंटीरियर की, जैसा कि आप सामने इस वेरिएंट का डैशबोर्ड देख ही पा रहे हैं, पहली बात इस वेरिएंट में आपको स्टीयरिंग व्हील में टाटा का ग्लोइंग लोगो देखने को मिल जाएगा। उसके साथ आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ऑडियो कंट्रोल्स। उसके साथ अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे, वो आपको टोटली न्यू देखने को मिलेगा। ये फुली डिजिटल होने वाला है, पर ये इतना भी अट्रैक्टिव नहीं है एंड इसमें इतने भी आपको फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे जितने आपको टॉप एंड वेरिएंट के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलते हैं। उसके साथ आपको इस गाड़ी में छोटा इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे विद 4 स्पीकर्स। एंड अगर हम बात करें इस गाड़ी के AC की, जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे, आपको मैनुअल AC प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ आपको रियर AC वेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे एंड जो इसके AC कंट्रोल्स होंगे वो आपको फुल टच स्क्रीन नज़र आएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी फीचर्स की बात करें, आपको इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में वॉइस कमांड्स फॉर फोन एंड मीडिया का फीचर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ सेंटर लॉकिंग, टिल्ट स्टीयरिंग व्हील, पावर विंडोज, रियर पावर आउटलेट एंड फ्रंट भी देखने को मिल जाएंगे। सो आपको इस वेरिएंट में, यानी कि प्योर वेरिएंट में, बस इतने ही फीचर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप उम्मीद लगा रहे हैं कि आपको इस वेरिएंट में ऑरिडमिंग IRVM, वायरलेस चार्जर एंड पुश स्टार्ट बटन जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे, सो वो आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में, यानी कि हायर वेरिएंट्स पर जाना पड़ेगा। सेफ्टी वाइज टाटा नेक्सॉन 2023 की सबसे बढ़िया बात है कि इसके स्मार्ट से लेकर इसके टॉप एंड वेरिएंट, यानी कि प्योर वगैरह सब में आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे। उसके साथ आपको ABS/ABD हिल होल्ड असिस्ट जैसा फीचर देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको प्योर में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसा फीचर नहीं देखने को मिलेगा एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपको टाटा नेक्सॉन के हर एक वेरिएंट में बेस से लेकर टॉप तक एकदम सेम देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इंजन वाइज आपको टाटा नेक्सॉन प्योर वेरिएंट में बढ़िया बात यह है कि बोथ पेट्रोल एंड डीजल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें पेट्रोल की, उसमें आपको वही 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी पावर है 118 BHP @170 nm ऑफ टॉर्क। पर बढ़िया बात यह है कि इसके साथ आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, बाकी आपको ऑटोमेटिक नहीं देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ आपको 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी पावर है 113 BHP @260 nm ऑफ टॉर्क। ये भी आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें भी आपको ऑटोमेटिक नहीं देखने को मिलेगा। सो प्योर वेरिएंट में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया जा रहा है, पर आपको बढ़िया ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। स्मार्ट वेरिएंट में आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया जाता है, पर प्योर में आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन इन पेट्रोल वेरिएंट, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। सो ये तो बात कर ली हमने कि आपको इसके, यानी कि प्योर वेरिएंट में क्या देखने को मिलेगा। एक्सटीरियर लुक्स की बात कर ली, इंटीरियर की कर ली, सेफ्टी फीचर्स की कर ली, इंजन की कर ली। अब बात करते हैं कि अगर आप इसका प्योर एस वेरिएंट लेंगे, यानी कि आपको सेकंड बेस में ही एक और वेरिएंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है प्योर एस, उसके साथ एस लग जाता है, मतलब कि आपको इस वेरिएंट में सनरूफ देखने को मिलेगा। पहली बात, फुल इलेक्ट्रिक वॉइस असिस्टेड
सनरूफ होने वाला है, उसके साथ आपको एंटी ग्लेयर IRVM देखने को मिलेगा, उसके साथ ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स। सो ये सब मतलब कि ये चार फीचर्स आपको प्योर एस वेरिएंट में एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्योर। बाकी आपको कोई भी फर्क नहीं देखने को मिलेगा, आपको वही इंजन ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे विद वही सेम ट्रांसमिशन। सेफ्टी फीचर्स में भी आपको कोई फेरबदल नहीं देखने को मिलेगा एंड इंटीरियर के ओवरऑल लुक में भी आपको कोई भी फीचर एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिलेगा प्योर एस में। सो ये थी मेरी वीडियो ऑल अबाउट प्योर एंड प्योर एस वेरिएंट ऑफ 2023 टाटा नेक्सॉन। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बता देना। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इसके किसी भी वेरिएंट से रिलेटेड वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऐसे ही मैंने इसके बेस वेरिएंट यानी कि स्मार्ट, स्मार्ट प्लस एंड स्मार्ट प्लस एस के वेरिएंट्स के बारे में यानी कि जो इसका बेस वेरिएंट है उसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो भी आप जाकर मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकती हैं। सो इस वीडियो को इतना रखते हैं, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।